जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं जोधपुर से बड़ी खबर। बोरवेल में एक मासूम बच्ची गिर गई है। 4 साल की मासूम बच्ची सीमा करीब 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है। पटेल इंफ्रा के प्लॉट के पास बोरवेल था और इस बोरवेल में मासूम बच्ची गिर गई है। बच्ची के परिजनों का हाल बेहाल है, रो रोकर। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। खेड़ापा के मेलाना गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। जोधपुर की घटना, खेड़ापा के मेलाना गांव की यह घटना है। करीब 300 फीट गहरे बोरवेल में 4 साल की बच्ची गिर गई है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। एहतियात के तौर पर सावधानी बरती गई है, तो साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बचाव एवं राहत के कार्य में टीम लगातार जुटी हुई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, तो साथ ही बालिका के परिजनों का हाल रो रोकर बुरा हाल हो रहा है। 350 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्ची गिरी है। जोधपुर की खबर आपको बता रहे हैं। पटेल इंफ्रा के प्लॉट के पास ये बोरवेल है, जिस बोरवेल में सीमा नाम की 4 साल की बच्ची गिर गई। बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने के प्रयास लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। बचाव एवं राहत कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। मासूम बच्ची सीमा से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। 350 फीट गहरा यह बोरवेल बताया जा रहा है। इस बोरवेल में एक मासूम गिर गई है। मासूम बच्ची सीमा इस बोरवेल में गिरी है। 350 फीट गहरा ये बोरवेल है। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटेल इंफ्रा के पास खेड़ापा के मेलाना गांव की यह घटना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जोधपुर से हमारे संवाददाता दयाल सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। जी दयाल, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में। देखिए, बताना चाहूंगा कि करीब 5:30 बजे के लगभग ये बच्ची ट्यूबवेल में गिरी थी। आज ही उस ट्यूबवेल से जो पंप है वो बाहर निकाला गया था, क्योंकि खराब हो गया था और निकाला था, और बच्ची खेलते हुए वापस चली गई और अंदर गिर गई। 4 वर्षीय बच्ची है जो ट्यूबवेल में घुसी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। और जो 108 की एम्बुलेंस को बुलाया गया था मौके पर, उसे ऑक्सीजन बोरवेल में छोड़ा जा रहा है, जिससे कि बच्ची की सांस से थोड़ा सहयोग मिल सके। और अभी जो है उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी दयाल सिंह, जानना चाहेंगे क्या सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गई है, क्या किसी प्रकार की हलचल बच्ची की देखने को मिली है। तौर पे अभी एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, तो जिस तरह के संसाधन उनके पास है उन सभी का उपयोग करते हुए टीम अभी मौके पर पहुंची है। तो कुछ ही देर में ये तस्वीर भी सामने आ जाएगी कि बच्ची कितनी गहराई पर है और किस स्थिति में है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जोधपुर से हमारे संवाददाता दयाल सिंह, जिन्होंने अपडेट दी इस पूरे मामले को लेकर के। जो भी संसाधन है प्रशासन के पास, उन संसाधनों से बचाव एवं राहत का कार्य शुरू किया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, साथ ही एहतियात के तौर पर 108 एम्बुलेंस भी मौके पर बुला ली गई है। अब बोरवेल से बच्ची को बाहर निकालने के प्रयास में प्रशासन जुटा है।